नमन प्रणाम मित्रों, आज का लाइव तस्वीर आपको बता रहे हैं गुरुदेव स्वामी भद्रदास जी शास्त्री जो पधारे हैं टीम के साथ में। बहुत बड़ी टीम है आपकी, पर्यावरण बचाओ यात्रा वृक्ष बचाओ जो बहुत बड़ो आप राशि सर में 10 नवंबर को महासम्मेलन करने जा रहे हो। आज गुरुदेव हूँ और आपकी पूरी टीम हूँ, विचार विमर्श। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप सबकी परमात्मा मनोकामना पूरी करे। प्रकृति के लिए आपका संदेश है और प्रकृति के लिए गुरुदेव से विचार विमर्श कर रहे हैं। गुरुदेव नूण गुरु जी, आप जो इतनी बढ़िया देवतुल्य महासजना ने लेन आपकी टीम है जो को पर्यावरण बचाओ को संदेश दे रहे हो, तो आपका दो शब्द अमृत और सरस्वती के बारे में जनता को लाइव संदेश बताओ आप। संदेश साफ है कि जीव बचाना और पेड़ बचाना दो हमारा उद्देश्य है। इस बात को लेकर ये टीम चल रही है और 10 नवंबर को राशि सर में महापड़ाव रखा गया है, उसमें सब आपको निमंत्रण देने के लिए हम घर घर गांव गांव घूम रहे हैं। आप सभी लोग आना और उसमें संख्या गिना करके सरकार से कुछ दबाव बना कर, सरकार पर कुछ दबाव बना करके हम प्रयास करेंगे ताकि कानून बने और कानून के तहत पेड़ों की रक्षा हो और प्राणियों की रक्षा हो। इसलिए हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ देंगे तो हम सब मिल करके और सरकार पर दबाव बनाएंगे और सरकार से मांग रखेंगे कि आप कानून बनाओ जिससे पेड़ भी न कटे और वन्य प्राणी भी प्राणियों के शिकार न हो। ये हमारा उद्देश्य है, हमारा प्रयोजन है और इसको लेकर के ही हम चल रहे हैं। हरिओम। आप ऐसा थे, आप भी पदरुड़ा ऐसा आप रहे, आपका नाम सा सुभाष जी, सुभाष जी। इस लाइव के माध्यम से जितने भी भाई लाइव देख रहे हैं उन सबको बताना चाहते हैं कि पिछले 3 महीनों से विष्णु समाज यहाँ खेजड़ला की रोही नोखा दैया जयमलसर भानीपुरा जहाँ पर सोलर कंपनियों के द्वारा बड़ी संख्या में प्लांट लगाए जा रहे हैं उनके बीच में हजारों की संख्या में इन पेड़ों को काट लिए है। 3 महीनों से हम लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उस धरने को लेकर के आगामी रूपरेखा के तहत पर्यावरण बचाओ न्याय यात्रा स्वामी भागीरथदास जी गुरु जी के नेतृत्व में बीकानेर से शुरू हुई, जो हनुमानगढ़ गंगानगर अनूपगढ़ रावड़ा गढ़साना खाजुवाड़ा बज्जू क्षेत्र होते हुए जाम्बा लोआउट के क्षेत्र में हम पहुँचे हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, इस प्रकृति को और वन्य जीवों को बचाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर के जन आंदोलन एक खड़ा करना होगा, इस सरकार को जगाने के लिए, ताकि इन पेड़ों को और इस वन्य जीवों को हम बचा करके पर्यावरण का संतुलन बना रखें, जिसे क्या कि मानव मात्र के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ कट जाएंगे, प्रकृति नष्ट हो जाएगी, तो मानव जाति पर खतरा एक संकट पैदा हो जाएगा। आज से ठीक 2 साल पहले हम सब लोगों ने, इस पूरी दुनिया ने ये झेला है कोरोना काल के रूप में। प्रकृति ने ही हम सबको ये सबक सिखाया था कि अगर प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, कोई गलत करेगा, तो इंसान पर सबसे बड़ा खतरा आएगा। और वो खतरा हमने सिर्फ एक जाति पर देखा था, 84 लाख योनियों में से एक मानव एक ऐसा था जो घरों में कैद था, बाकी सब स्वच्छंद चल रहे थे। 2 साल के अंदर प्रकृति ने जिस रूप से पूरे देश दुनिया के अंदर अपना सही तरीके से वो खड़ी हुई थी उन 2 सालों के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने उनका दोहन नहीं किया था, हमने उसका गलत उपयोग नहीं किया था, और मानव घरों में कैद हो गया था, सांसों के लिए तरस रहा था। ये दुनिया को बताने के लिए इस भगवान ने, इस प्रकृति ने एक ऐसा खेल रचा जो लोग सांसों के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन के लिए हम सब भाग रहे थे, फिर भी हमने हमारे रिश्तेदारों को, हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने मिलने वालों को उस कोरोना काल में खोया है। ये सबक लेते हुए हम सब लोगों को मिल करके, ये हम सब की साझा लड़ाई है, इस मानव मात्र की लड़ाई, इस प्रकृति को बचाने के लिए। ये किसी एक समाज एक धर्म की लड़ाई नहीं है कि इसको बचाना है। मैं तो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से ठीक 500 कुछ वर्ष पहले जब विष्णु समाज की स्थापना की थी, 29 नियमों के एक आचार संहिता दी थी, जो 29 नियमों को मानेगा वो एक विष्णु ही कहलाया था, 20+9 नियमों में। उस नियमों में कहा था कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान की उन बातों को मानता हुआ ये समाज खड़ा हुआ था। इसमें 36 कौम के लोग थे, इसमें जो 29 नियमों को मान रहे थे। तो हम लोगों ने मिल करके सदियों से इस परंपरा को जीवित रखते हुए, इस प्रकृति को जीवित रखते हुए, वो एक भगवान का रूप थे, उन्होंने तो उसी समय कह दिया कि आने वाले समय अगर प्रकृति को नहीं बचा पाएंगे तो मानव के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।
और हमने कोरोना काल में झेला था, उसी को देखते हुए ठीक 294 साल पहले इस जोधपुर जिले के अंदर खेजड़ली गांव में मां अमृता देवी विष्णुई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दे देते हैं इस पेड़ों के लिए। पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जो खेजड़ली के अंदर मां अमृता देवी ने अपनी बेटियों के साथ सब कुछ घर परिवार छोड़ करके एक पेड़ को बचाने के लिए जीवन समर्पित कर दिया था, ताकि ये पर्यावरण बचेगा तो मानव बचेगा, भगवान की बात को मानते हुए। और उनके पीछे हमारे पूर्वज सदियों से आज तक लड़ते हैं वन्य जीवों के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए प्राणों का बलिदान दे देते हैं। और हम ठीक 3 महीने पहले बीकानेर के अंदर जगह जगह धरना चल रहा है हमारे समाज के द्वारा इस पर्यावरण को और पेड़ पौधों को बचाने के लिए। तो हमने एक मुहिम चलाई है कि एक अच्छा कानून बने राजस्थान के अंदर जिससे पेड़ों की और वन्य जीवों की सुरक्षा हो पाए और हम सब लोग मिलकर के इस प्रकृति को बचाने के लिए अपना योगदान दे सके। उसी उद्देश्य को लेकर के 10 नवंबर को राशिसर के अंदर बहुत बड़ा महापड़ाव होगा जिसमें 36 कौम के लोग आएंगे, एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे कि सरकार एक अच्छा कानून बनाए और इस प्रकृति को और इन वन्य जीवों को बचा करके इनको एकदम मानव मात्र के लिए स्वच्छ और शुद्ध बना करके रखे। इसी उद्देश्य के साथ हम गांव गांव डाणी डाणी जा रहे हैं। 10 नवंबर तक हम लोग जनसंपर्क करके 10 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और जब तक चलेगा तब तक सरकार कानून नहीं बनाएगी। तो आप सब लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें उस 10 नवंबर को। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें, इसको शेयर करें। हम सब लोग मिलकर के इस मुहिम में अपनी भागीदारी निभाएं, इस प्रकृति को बचाने में हम सबको योगदान करना है। सब मिलकर के योगदान करेंगे तभी हम मानव मात्र के लिए कुछ कर पाएंगे। ये परोपकार का काम है, हम सब लोगों को मिलकर के इसको करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद साधुवाद गो भगत राजू जी मांजू लोअर जम्बेसर नगर बाबा रामदेव गौशाला संताला का। आप भी प्रकृति के प्रति दो गुड़ार शब्द राजू जी बताइए। आप सबको मेरा नूम प्रणाम, राम राम। मैं 36 कौम भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि अपन को जो प्रकृति और पेड़ लगे हैं ना पुराने, जो अपने दादा के माँ बाप के परदादा के, वो बचाने सबसे बड़ी बात हो। क्योंकि अब अपन पेड़ लगा तो रहे हैं लेकिन अब पेड़ लगाने कम से कम 10-15-20 साल लगेंगे पेड़ उगने में, उसकी छाया में और ऑक्सीजन में। तो सबसे निवेदन है, जरूरी नहीं कि विष्णुई समाज आ गया है, मैं कहता हूँ राशि सर में विष्णुई समाज से ज़्यादा जो सर्व समाज है, 36 कौम समाज है, वो उनसे ज़्यादा पहुँचनी चाहिए। क्योंकि एक ट्रेंड चल गया सिर्फ खेजड़ी का पौधा सिर्फ विष्णु में बचा, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। सांस तो सब ले रहे हैं, बच्चों तो सबके हैं, माँ बाप सबके हैं। तो मैं सभी 36 कौम से निवेदन कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति, ऐसा नहीं कि वो आदमी भी आए, बच्चा भी आए, स्टूडेंट भी आए और जो बूढ़ी माता बहने वहाँ आके इस प्रकृति को एक मतलब इस धरती पर अपन को एक एक कोई प्रोग्राम रखना है कि इस प्रकार की अपन बचाना है, किस प्रकार बचाए। तो हम राजस्थान सरकार है जो उनकी मदद लेकर, अकेले तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। हम यह 5-10 ये घूम रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि 5-10 बचा पाएंगे, 5-10 तो कुछ भी नहीं होगा। मैं सर्व समाज से 36 कौम से और सबसे ज़्यादा मैं युवाओं से निवेदन कर रहा हूँ कि जो पेड़ आपके और हमके माँ बाप ने जो पेड़ लगाए हैं उनको बचाओ, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि रात दिन कटते जा रहे अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए कंपनी वाले या फिर कोई खेत में कोई प्लांट लग रहा है, उस प्लांट के वजह से कोई भी कारण से पेड़ कट रहे हैं, तो पेड़ को बचाना है। मैं माँ अमृता देवी के चरणों में नमन करता हूँ। और उस समय की बात है कि वो शहीद हो गए, अपन को शहीद होने की बात नहीं है, अपन को सिर्फ पेड़ बचाना है। 5-4 दिन संघर्ष करके और गुरुवर आए ये जो टीम आई है गुरु जी की पूरी, तो मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ। आज ओम प्रकाश जी के पास आए गौशाला में, तो सभी युवाओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राशि सर 10 तारीख को पधार के और हम सब मिल के उसको मुहिम चलाएंगे कि अपन पेड़ की रक्षा करेंगे, पेड़ को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की। आपके साथ है पूरी प्रकृति प्रेमी औड़ा है, आप भी दो शब्द है। सभी प्रकृति प्रेमियों को मेरा नमन प्रणाम, राम राम। आज हम लोग ग्राम बचाने यात्रियों को लेकर गुरुदेव के सानिध्य में श्री इच्छापूर्ण बालाजी गौ सेवा समिति लोहाउट पहुँचे हैं। तो मेरा सभी प्रकृति प्रेमियों से निवेदन है कि हमारा उद्देश्य है कि पेड़ बचाओ, जीव बचाओ, सख्त कानून बनाओ। हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि हमारा जो दल है, जो पर्यावरण प्रेमियों का, वो लगातार पिछले 3 महीनों से बीकानेर जिले की कोलाई तहसील के अंदर जो एक नोखा दिया गांव है वहां पे बैठा है और एक
दल जो है वो बीकानेर कलेक्टर ऑफिस आगे बैठा है, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे प्रेम प्रेमियों की मांग नहीं सुनी। सभी की मांग थी कि सरकार एक ऐसा कठोर कानून बनाए जिससे पेड़ों और जीवों को बचाया जा सके, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी और हम लोग जिंदगी के अंदर सांस ले सकें और स्वस्थ रह सकें। इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय स्तर के अंदर आने वाली 10 नवंबर को एक बहुत ही बड़ा महापड़ाव जन आंदोलन है, तो मेरी निवेदन है कि आप लोग उस जन आंदोलन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और पेड़ों और जीवों को बचाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद साधुवाद, आपका भी साहब दो शब्द थे बोलो। सब भाई चरण राम राम, प्रकृति के वास्ते सभी जितक के तई भाई लोग आए हटे और प्रकृति बचाने वास्ते सबन आई जा। हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 तारीख रा राष्ट्रीय सर पधारे और पर्यावरण को बचाए। धन्यवाद। तो मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। आप गुरुदेव बहुत बड़ी मेहनत कर रहा है, इतनी उम्र दराज अवस्था में इस समय आपको मित्रों के जो भक्तों के साथ है समय निकाल गौशाला पधारिया या सोशल मीडिया में संदेश ओम जी के नवग्रह नंदी गौशाला फेसबुक पेज माते जावे और बड़े राशि समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति प्रेमी है जो 36 कोम बटे पहुँचे। तो आप गुरुदेव ने बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ने ईश्वर परमात्मा लंबी उम्र प्रदान करे। आप भागीरथ जी शास्त्री आचार्य जी जो समाज हित के लिए बहुत ही बढ़िया काम करे, आप गुरुदेव है और आपको जो बहुत ही महासम्मेलन वेला राजस्थान नहीं पूरे भारत के में आपकी यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर और आपने प्रकृति प्रेमी बटे पहुँची। मतलब आप भी बहादुर साहब दो शब्द को आप सभी धर्म प्रेमियों ने न्यून प्रणाम, राम राम, जय माता जी साहब। सजनों, एक कोई जात को कारण नहीं है, सब जाति में पर्यावरण प्रेमी है, गो भगत है। तो बहु हमारी रिक्वेस्ट रहला कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण प्रेमी टीम गुरु जी विराजमान है तो आगे आदेश हूँ सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 नवंबर को राशि सर धरने माते खेजड़ी बचाने के लिए पहुँचना है। हकीकत बात यह है सजनों, मैं सतरगढ़ धरने पर गया तो उस समय वहाँ भाई सुभाष फौजी साहब और रामगोपाल जी और अन्य पर्यावरण प्रेमी जो धरने माते हाजरा तो वह भी कहो गया भाई आमने बटे ही चालो। तो हकीकत बट मैं जहाँ मैं खेजड़ा देखा तो आप आ रहे हैं कि हमें आंसू आना बंद नहीं हुए, इतना बड़ा खेजड़ा है और मैंने लोग काटने के लिए रात का सिस्टम बंग गाड़िया में है और रात का मैं मौको देकर भी मतलब काटा। तो धन्यवाद है आ टीम ने जो को रात बिरात है वहाँ खेजड़ा के हरने कम से कम 2000 खेजड़ा और बहुत बड़ा खेजड़ा वहाँ खेजड़ा ने रात बिरात है चौकीदारी करे। आज 3 महीना हो चुका और बिंग बाद 4-5 दिन मैं भी बट सेवा दी नहीं रहो, बिंग बाद में मैं एक दिन भी आराम नहीं करो हूँ। मेरी आई सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि रात दिन कोशिश सरकार जगाना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर गिनाने की ज़रूरत है। अगर आप भगवान ने माना मिंदर जावा तो सजनों मत्स्य पुराण में लिखा है कि अगर एक पेड़ कटे तो 10 बच्चों के हत्या के बराबर की बात है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने फरमाया कि धरती ध्यान वनस्पति वासो, इस वनस्पति में भगवान का वास है। अगर भगवान को ही मानते हैं तो ये भगवान का रूप है और अपने जीते जी सदनों कटने नहीं देना है। ये हर आदमी के पर मन में ये जज्बा होना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। अब रही बात अपने वर्जन जो माइत है उन्होंने ये खेजड़ी बचाई और पूर्व जो माँ अमृता देवी के साथ 363 लोग शहीद हुए इस खेजड़ी के लिए। उन्होंने न तो घर बार देखा, न उनका परिवार की चिंता देखी, न उन्होंने कोई लालच किया, सिर्फ एक भगवान के बताए हुए नियम को पालने के लिए 363 हंसते हंसते खेजड़ियों को चिप करके शहीद हो गए। इस बात को मन में विचार करो और फिर घर का जो काम काज त्याग करके और 10 तारीख नवंबर को धरने पर लिखो निकलो, ज़्यादा सिर गनाएंगे तभी सरकार झुकेगी। ये जज्बा अपने में होना चाहिए, किसी भी हालत में सरकार को झुका के छोड़ेंगे चाहे दिन 4, 5, 10 कितने भी लगे,
तो उसी तैयारी में आपने को आना है। आज ये स्थिति आपके सामने है, आप युवा हो तो बड़े मायतों को पूछो, आज से ठीक 20 वर्ष पहले एक बार बरसात होने के बाद में 20 दिन तक अपन अन्न बिजान करते थे, सच तो वो समय कहाँ गया। आज फुल बारिश होने के बाद में अपन 5 दिन खेती नहीं कर सकते, 5 दिन के बाद में बिजान नहीं करते सजनों, तो अगले 10 साल में अपना क्या हाल होगा और किस हिसाब से अपन अन्न उपजाऊ करेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए कौन कौन चीज अपन खनाने के लिए क्या चीज है। कोई काश्तकार तो होगा ही नहीं, क्योंकि आज 50 से ऊपर टेम्परेचर हो गया है, तो आने वाले समय में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसीलिए सब काम छोड़ करके आने वाली पीढ़ी बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन बचाने के लिए, तापमान मेंटेन रखने के लिए और फसल बीजान उपज हर समय करने के लिए अपने को सब काम छोड़ करके पर्यावरण को बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं और कटने से रोकना है। इसी बात से मैं आप सबका फिर से अनुरोध यही करता हूँ कि 10 नवंबर को आप धरने नोखा राशि सर जल्दी पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा साथ में टीम लेकर के हर गांव एक दो बस निकलनी जरूरी है, इससे ज़्यादा कोई अर्जेंट काम अपना हो नहीं सकता, ये बुद्धिजीवी की ये पहचान होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय गौ माता, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान, सभी को प्रणाम। आपने बड़ा प्रकृति प्रेमी लिया, कोई दो शब्द क्यों ना हो आपने निर्वत गुरुदेव को, गुरुदेव आपका शब्द 5 मिनट का और आप प्रकृति के प्रति। सभी लोगों से, सतीश कौन के लोगों से मेरा निवेदन है कि समय कीमती है, लेकिन समय देना बहुत जरूरी है। समय नहीं दोगे तो कुछ काम हो नहीं पाएगा, इसलिए घर का काम छोड़ना पड़ेगा, आपका काम बिगड़ कर दूसरे काम होता नहीं। और इस काम में हमारा कोई निजी काम नहीं है, पेड़ों को बचाना है और वन्य प्राणियों को बचाना है, ये दो उद्देश्य है। इस दो बात को लेकर के चले हैं, सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग समय निकाल करके घर का काम बंद करके और इस प्रकृति प्रेमी बनने के लिए आप यहाँ बता रहे हैं। आप लोगों का स्वागत होगा, सेवा होगी, सम्मान होगा, आदर होगा और अपने गांव से जो टीम आएगी उस टीम की लिस्ट बना के आप लाएँ और उसके एक मुख्य हो ताकि उसकी देख रेख करने की, उसको संभालने के लिए काम करें। सभी काम सभी मिल करके करेंगे तब वो काम सबका है, क्योंकि श्वास सबको लेना पड़ता है, श्वास लेने के लिए पेड़ जरूरी है। पेड़ हो गए तो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होगी तो श्वास लेंगे, इसे जिंदा रहने के लिए श्वास जरूरी है, श्वास लेने के लिए पेड़ जरूरी है। पेड़ बचेगा तो ही हम बच पाएंगे। अब अपने आप को बचाना है, प्रकृति को बचाना है और सब कुछ ठीक रखना है, संतुलित रखना है, तो आप लोगों को समय दे करके वहाँ धरने मारना है, आंदोलन करेंगे, ज़्यादा संख्या होगी, सरकार मानेगी, और सरकार मानेगी तो सरकार कानून में थोड़ा सा बदलाव करके और कानून सख्त बना देगा, सख्त कानून होगा तो ही बात बनेगी। बोल विष्णु भगवान की जय हो। ठीक मित्रों, आप हाथ जोड़ निवेदन है छत्तीस को, हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पूरे भारतवर्ष में वीडियो फैल जाना चाहिए, पर्यावरण को प्रकृति को संदेश है और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। मतलब आपका दो शब्द बड़ो कोई 10 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा राशि सर पहुँचना है आपने और वीडियो शेयर करने वाले ने बहुत बड़ो सपोर्ट। दस नवंबर को चलना है। वीडियो को शेयर करो मित्रों, आज गौशाला आप पधारिया पूरी टीम, समय निकाल प्रकृति वास्ते संदेश लाइए, ऋण पहुंचने वास्ते गुरुदेव ने गौ माता को टुकड़ो भेंट करो, आप भी पूरी टीम रो गौशाला संस्था की ओर से स्वागत है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपने। वीडियो शेयर करो मित्रों, पर्यावरण संदेश है प्रकृति के लिए। आज से 550 साल पहले गुरु महाराज ने
ये संदेश दिया था 29 धर्मों के अंदर सबसे पहला पर्यावरण का संदेश दिया था कि प्रकृति को हमें गवर्नमेंट वगैरह सब पेड़ लगाने की मुहिम चला रही है। और गुरु महाराज साढ़े 500 साल पहला कह दियो और इन्हें जीवित रखने वास्ते आप 36 को वीडियो शेयर करो। तो गवर्नमेंट ने लागूड़ा जगह खेजनी का पेड़ है बहुत ज्यादा अंधाधुंध कटाई हो रही है सोलर कंपनियों द्वारा। पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, कानून बनाओ, पेड़ बचाओ, कानून बनाओ, पेड़ बचाओ, कानून बनाओ, पेड़ बचाओ, कानून बनाओ, वन्य जीव बचाओ, कानून बनाओ, वन्य जीव बचाओ, कानून बनाओ, पेड़ बचाओ, कानून बनाओ, पर्यावरण बचाओ, कानून बनाओ, प्रकृति बचाओ, कानून बनाओ, प्रकृति बचाओ, कानून बनाओ, पेड़ बचाओ, कानून बनाओ। 10 नवंबर को राशि सर चलो, राशि सर चलो, राशि सर चलो, 10 नवंबर को राशि सर चलो, राशि सर चलो, राशि सर चलो, 10 नवंबर को राशि सर चलो, राशि सर चलो, राशि सर चलो, जय गो माता। गुरु जी मैं आश्रम की तरफ आया हमारा गुरु आप संत हो चलो की कौन गुरु महाराज के पाचा गायक लगा दो आप ऑफिस मार संस्था में संस्था की तरफ में हमारे प्रस्थल दे रहे अपने गुरुदेव के गौ माता लगा दो। धन्यवाद। जय गौ माता।